जीतू सर गुड इवनिंग, बपिदा गुड इवनिंग, तुषार सर थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। दादा वेगळेपण वेगळेपण म्हणजे किती गोष्टींचा कहरच केलाय ना, म्हणजे अगदी तारीख बदलल्यापासून हिरोला तुम्ही अगदी ट्यूब वरती आणलं तो नाही, ऍक्च्युअली माझी हेअरस्टाईल चेंज केल्यापासून मी खूपच वेगळा दिसायला लागलोय आणि अजून वेगवेगळ्या गोष्टी करायला लागलोय। इंटरेस्टिंग, वेगवेगळ्या गोष्टी तुम्ही करत आहात आणि लकी फिल्म मधनं तुम्ही अभय महाजन आणि सतीला इंट्रोड्यूस करतायत, म्हणजे धक्का दिला तुम्ही, सई नाही स्वप्नील नाही चक्क तुम्ही यांना घेतलेले आहेत। ऍक्च्युअली काय झालं, बहुत बदनामी सहली आहे मैंने पिछले 5-6 सालों में कि मैं हमेशा सिर्फ एक ही स्टारकास्ट के साथ काम करता हूँ, एक ही स्टारकास्ट के साथ काम करता हूँ। सो दैट इज़ द रीज़न आई थॉट कि ऐसा कुछ सब्जेक्ट निकालते हैं कि कोणालाच उत्तर द्यायची गरज नाही लागणार। ॲक्च्युली त्यांना प्रत्येकाला मी हे सांगू शकतो की देख यार क्या आहे, स्टोरी ऐसा आहे, स्टोरी का डिमांड ऐसा, तो मैं क्या करूँगा यार। सो दॅट इज द रीज़न, वेल जोक्स अपार्ट, पण लकी ही जी फिल्म आहे व्हेरी, जसं आपण पोस्टर बघतोय व्हेरी यूथ सेंट्रिक फिल्म आहे आणि फ्रेश फेसेसची गरज होती या स्टोरीमध्ये या सिनेमामध्ये, आणि दॅट इज द रिझन आय वेंट टू अभय महाजन, आय वेंट टू दीप्ती सिद्धी अँड आय रिक्वेस्टेड देम। अमेझिंग, आणि सध्या तुमच्यापर्यंत पण व्हिडिओ पोहोचला असेल, अनेक फॅन्सनी पण क्रिएट केलेला आहे, कोपच्या सॉन्ग जे सध्या प्रचंड गाजतंय आणि कोपच्या सॉन्गच्या माध्यमातून तुम्ही ट्रिब्यूट दिलेला आहे आणि हेही पुन्हा फर्स्ट टाइम घडलंय की मराठी सिनेमामध्ये एका वेगळ्या लँग्वेजच्या गाण्याला ट्रिब्यूट दिला जातोय, ही हटके बंद कमाल काय। ॲक्च्युली कोपच्याचं सगळं क्रेडिट आहे ते अमित राजचं आहे आणि वैशाली सामंतचं आहे ऑफकोर्स, कारण ह्या दोघांमुळे आणि स्पेशली वैशालीमुळे आम्ही बप्पीदांना भेटू शकलो। सो ॲक्च्युली बप्पीदा बहुत दिनों से आपको बताना था लेकिन अभी सबके सामने ये बताने का मौका है, इसलिए बता रहा हूँ कि बचपन से हम आपके गाने सुन रहे हैं और जब मैं मिला आपको तभी मुझे मालूम था कि मैं एक लेजेंड से मिलने जा रहा हूँ और मैं लेजेंड को मिल रहा हूँ। लेकिन आपको मिलने के बाद ना एक अलग सा मज़ा आया, आई वॉज कम्प्लीटली बप्पीदा, आई वॉज कम्प्लीटली थिंकिंग अबाउट बप्पीदा। सो मैंने ऐसे पूरा सर्च किया बप्पीदा ने क्या क्या किया, बप्पीदा ने क्या किया, क्योंकि ऐसे हुआ ना कि बप्पीदा को मिलने के बाद पता चला अरे ये गाना भी बप्पीदा ने किया, वो गाना भी बप्पीदा ने किया, तो मैं बोला यार बप्पीदा ने कौन से गाने किए, और मुझे पता चला कि बम्बई से आया मेरा दोस्त बप्पीदा का गाना है, तब तक सॉरी बप्पीदा, लेकिन ये गाना मैं स्कूल पिकनिक से लेके कॉलेज पिकनिक तक और हम लोग गाते रहे, हम लोग इसमें बड़े हो गए, लेकिन उस आदमी को मैं मिला ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। सो आई एम रियली ग्रेटफुल बप्पीदा दैट आपने हमारे लिए कुछ गाया, और आई मीन इट वॉज अ डिफरेंट मोमेंट इन माई लाइफ। एट द सेम टाइम हमारे यहाँ जो दूसरे हस्ती आए हैं, जीतू सर आपको भी बताना चाहता हूँ, मौका मिला है मुझे, माइक हाथ में आया इसलिए बोल रहा हूँ। कैसा है ना सर कि ढल गया दिन हो गई शाम बोलते बोलते मैंने बहुत फ्लर्टिंग कर लिया था लेकिन मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन मेरे फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पे वो आदमी आएगा और वो ऐसे मेरे सामने होंगे और वो मेरा ट्रेलर लॉन्च करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए एंड आई मीन इट। सो थैंक्स फॉर कमिंग सर। बट ये जो गाना है कोपचा, जीतू सर आपको बताना चाहता हूँ एक्चुअली। सो कोपचा का जो आइडिया है ना, सो जब हमने फिल्म शुरू की और मैंने फिल्म साइन की ना लकी नाम की, तो उस दिन से मैं हमेशा हमारे प्रोड्यूसर के मुंह से सुन रहा हूँ कि मेरे पापा मेरे पापा मेरे पापा। सो मुझे ऐसे लगा कि यार आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट हिम, और जैसे मुझे पता चलने लगा आपके बारे में और सूरज सिंह और आपकी रिलेशनशिप, सो वी थॉट दैट वी शुड मेक हिम हैप्पी, यू नो, एंड दैट इज़ हाउ वी केम अप विद दिस आइडिया ऑफ हैविंग अ ट्रिब्यूट टू हिम्मत वाला सॉन्ग, कि हमारी तरफ से प्रोड्यूसर को एक तोहफा है और एक ट्रिब्यूट आपके लिए है सर। मला असं वाटतं की संजय दादा या फिल्मला बनवण्यासाठी तुम्हाला ज्यांची सगळ्यात जास्त मदत झाली, अर्थातच या सिनेमाचे प्रोड्युसर सूरज सिंग जी, इनको भी मैं स्टेज पर इन्व्हाइट करना चाहूंगी। सो सूरज सूरज सर